Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters, but do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2371-7106, or 2371-7117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrit Saxena. Namaskar. Aarthik khabron ke karyakram Market Mantra mein aapka swagat hai. Roz ki tarah aaj bhi hum taza aarthik samachar aap tak layenge. Shrotaon, aaj shanivar hai aur har ek shanivar ki tarah aaj bhi hum aapke prashn seedhe program mein shamil karenge. आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444 और 2371-7106 और तीसरा नंबर है 2371-7117। आपके प्रश्नों का उत्तर देने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित हैं हिंद किसान चैनल के एडिटर इन चीफ हरवीर सिंह। हरवीर नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम हरवीर। नमस्कार राजेश, थैंक यू। और सबसे पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं राजेश लेख। Prime Minister Narendra Modi says the speed of economic recovery is encouraging despite the ups and downs due to the COVID-19 pandemic. Government says more than 40,50,000 paddy farmers got benefit of MSP during the ongoing Kharif marketing season. And benchmark domestic stocks logged gains of around 2% during the business week ended yesterday. Sensex closes above 46,000 mark and Nifty settles above 13,500 level. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण होने वाले उतार चढ़ाव के बावजूद आर्थिक रिकवरी की गति उत्साहवर्धक है। सरकार का कहना है कि मौजूदा खरीफ फसलों की मार्केटिंग के दौरान 40,50,000 धान उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का लाभ मिला है और घरेलू शेयर बाजारों में कल समाप्त हुए सप्ताह में लगभग 2% की बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स ने 40,000 और निफ्टी ने 13,500 के स्तर को पार किया। और आज की पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 महामारी के प्रकोप से उतार चढ़ाव के बावजूद आर्थिक सुधारों की रफ्तार पर प्रसन्नता व्यक्त की है। आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग और वाणिज्य परिसंघ फिक्की की 93वीं अवार्षिक आम बैठक में श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक संकेतकों से नई आशाएं जगी हैं और देश ने संकट के इस दौर में बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय देश के उद्यमियों, नौजवानों, किसानों और सभी आम भारतीयों को दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक सुधारों के तहत अनावश्यक बाधाओं को दूर किया जा रहा है और कृषि क्षेत्र इसका एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आज ग्रामीण भारत में जबरदस्त बदलाव हो रहे हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या ग्रामीण इलाकों में शहरी क्षेत्रों के मुकाबले कहीं अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि देश के आधे से अधिक स्टार्टअप दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें अधिक खुशहाल बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि आज भारत के किसान अपनी उपज को मंडियों के साथ साथ उनके बाहर भी दे सकते हैं और डिजिटल मंच के जरिए भी कृषि उत्पादों की बिक्री की जा सकती है। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक महामारी के दौर में देश ने
अपने ज्यादातर नागरिकों की रक्षा करने में कामयाबी हासिल की और यह सिद्ध कर दिया कि देश अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने इस दौरान देश भर में लोगों की जीवन रक्षा के कार्य को प्राथमिकता दी और महामारी से निपटने के लिए कई अभूतपूर्व कदम उठाए। The Prime Minister also said that India's private sector cannot just fulfill domestic needs, but should also create a global image for itself. He said, Atmanirbhar Bharat Abhiyan is a vision to make quality products in India and make Indian industries globally competitive. He said, a decisive government does not want to keep all the power to itself. He said, the right government wants all stakeholders to use all its talents and make valuable contributions. He stressed that India has been witnessing that in the last 6 years. Mr. Modi also said India's corporate tax is among the most competitive in the world. India is also one of the few countries that have faceless assessment and faceless appeal facility. He said India has left behind the era of Inspector Raj and tax terrorism. He emphasized that the economy does not need hurdles between sectors but bridges to support each other. He said the world's biggest direct bank transfer system is working in India, which has been heavily lauded in an international journal recently. He said India, unlike most other countries, was able to deposit crores of rupees to its poor and needy via direct benefit transfer during the COVID pandemic. UPI witnessed transactions worth 4 lakh crore rupees every month, and the record is being broken every year. Digital payments are being made possible even on small vendors in rural parts of the country. Harveer, we quickly would like to have your comment on the various remarks that the Prime Minister made today, all very, very progressive and pointing towards the speed of economic recovery that India is seeing these days. Yes, Rajesh, Prime Minister's focus on this address was that country is going to be very open for industry and investment, and government is removing all kind of hurdles and any bottlenecks, particularly reforming different sectors like one of the biggest sector in the economy is agriculture. So that's why he was emphasizing that these reforms will be beneficial and for the large number of the farmers, so that investment will come into the area and the growth level, which is around 3%, the sector will come out of this level and may be in tuning growth of the national average of growth. Okay, we will continue our discussion while we take up the calls of our listeners as well. And we have a first caller online with us from Kolkata, Mushtaq Ali. Hello. Good evening to all, sir. Good evening. Please ask your question. Thank you. Wo chalu ho gaya Kolkata mein. My question is, I read in the newspaper that new policy of the banking license to the corporates by Mr. G. R. Gopinath of Air Deccan. So what will be the future? Please explain and please tell about the gold price in near future. Thank you, sir. No, basically, we cannot comment on that because G.R. Gopinath just written an article in a newspaper. So, that is the point. But in case of you are talking about the gold prices, as you have seen in the last few days, gold prices are coming down. When gold reached at a very high level, and central banks were also buying gold, but now things are settling. Economy is improving on all the other sectors. Also, economic activities are coming towards normal, and after this vaccination already started, that has also bring some certainty in the markets also. So that's why in the long run, gold is not very favorable asset for basically investment, because now whoever invested at peak time must be in the negative investment in the negative territory, and maybe in the coming days also. हम यहाँ पर अपने श्रोताओं को याद दिला दें
कि शनिवार को हमारा फोन इन कार्यक्रम होता है जिसमें हम श्रोताओं के प्रश्नों को भी शामिल करते हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं नंबरों पर 2331-4444 और 2371-7106 और तीसरा नंबर है 2371-7117। और चलते हैं अगले श्रोता की ओर। मुंबई से हमारे श्रोता रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार पूरी मार्केट मंत्रा की टीम को। नमस्कार जी। हाँ, जैसे कि सर अभी ये साल में देखेंगे आप पिछले 20 साल में सबसे अधिक ब्रोकर डिफॉल्ट हो गए हैं। कम से कम 18 से 20 ब्रोकर डिफॉल्ट हो गए हैं। 20 दो वॉलंटरी हुए हैं, बाकी को सस्पेंड कर दिया है डिफॉल्ट से एक्सचेंज ने दोनों एनएससी और बीएससी। तो अभी इसमें जिन इन्वेस्टर के पैसे फंस गए हैं तो एज पर जो नॉर्म है वो सबको मिल पाएगा कि शॉर्टफॉल दिखा के फंड का इनको दरकिनार कर देंगे इन्वेस्टर की जो रिक्वेस्ट होती है जो उनके शेयर्स और जो पैसे फंसे होते हैं। हरफीद, आई थिंक सेबी टेक्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस। Yes, SEBI plays important role. You have to file that. There are some SEBI provides you opportunity to file complaint, even online complaint also you can file there. And definitely there will be proceeding from the SEBI to find out the solution and whatever the assets, it will be decided by the SEBI authority how the compensation will go over the investor through these brokers. Okay, moving on, the government today said that about 40,53,000 paddy farmers have been benefited during the ongoing Kharif marketing season with minimum support price MSP value of more than 70,000 crore rupees. Agriculture Ministry said government continues to procure Kharif crops at its minimum support price from farmers as per its existing MSP schemes. It said the procurement is continuing smoothly in Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Telangana, Uttarakhand, Tamil Nadu, Chandigarh, Jammu and Kashmir, Kerala, Gujarat, Andhra Pradesh, Odisha, Madhya Pradesh, Maharashtra and Bihar. Out of the total purchase of 372 lakh tons, more than 202 lakh tons has been purchased from Punjab, which is around 54.45% of total procurement in the country. और दिल्ली से हमारे श्रोता सतीश कुमार लाइन पे हैं। सतीश नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। जी नमस्कार जी, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ सर, मैंने एक डिस्कशन देखा न्यूज चैनल पे डायमंड ट्रेडर्स का और एक पत्रकार का, उसमें बताया जा रहा था कि जो डायमंड होता है ना उसकी रीसेल वैल्यू जीरो है। अगर कोई आदमी 1 लाख रुपए का आज डायमंड खरीदता है तो 6 महीने बाद बेचने जाएगा तो वो बड़ी मुश्किल से 5,000 का बिकेगा। उसमें वो बता रहे थे एक कहावत कि भाई डायमंड इज नॉट फॉर फॉरएवर, जो हीरा है ना वो हमेशा के लिए हीरा नहीं रहता, थोड़े दिन बाद उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। तो क्या ये सर ये सही बात है कि हीरा उसकी रीसेल वैल्यू नहीं है, खरीदने जाए बाद में बेचे तो वो कुछ भी नहीं मिलेगा उसका, ये बताइएगा सर। नहीं देखिए, ऐसा नहीं होता कि डायमंड है वो तो फॉरएवर ही होता है, डायमंड का ऐसा नहीं होता। बट इट विल डिपेंड कि कैसे आपने कहाँ से खरीदा है, उसका कैरेट क्या है, किस क्वालिटी का है। और आजकल जो ज्वेलर्स जब आपको बेचते हैं तो एक आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं उसकी क्वालिटी को लेकर के, और उसमें एक बेसिकली रीपरचेज का भी एक उनका एक एश्योरेंस होता है कि आप अगर वापस आएंगे हमें बेचने के लिए तो हम आपसे लेंगे। ये इस तरीके का होता है और ये क्योंकि वैलिड होता है वो सर्टिफिकेट उनका। सो जैसे इसमें आपका गोल्ड में हम लोग देखते हैं जो हॉलमार्क है उसी तरीके से उसमें भी उनका एक स्टैंडर्ड होता है। बट ये जो लोग अच्छे जो एक तरीके से चेन है ज्वेलरी की और जो रेपुटेबल है तो मेरे ख्याल से वहां से खरीदना बेहतर होगा क्योंकि ये काफी कॉस्टली ज्वेलरी है। बट हाँ ये भी है कि इसमें सावधानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है डायमंड में, क्योंकि तमाम सारे ये लोग आपको लेवर करते हैं बेचने के लिए और उसका डिस्काउंट भी देंगे तमाम सारे में। बट यू हैव टू बी कॉशियस और यू हैव टू लुक अबाउट द क्वालिटी कि उसका जो पैरामीटर्स हैं उसके जेमोलॉजी के उसमें वो कहाँ फिट बैठता है। हरवी, जैसे एक कहावत है गोल्ड को लेकर, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड,
वो शायद डायमंड के लिए भी होगी. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट डायमंड, सो वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल परचेसिंग. यस एक्चुअली राजेश, बिकॉज यू नो द क्वालिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन डायमंड. सो एनी बिकॉज एज अ कॉमन मैन वी कैन सी दिस इज गोल्ड एंड दिस इज 22 कैरेट और 18 कैरेट, मशीन कैन फाइंड आउट द प्योरिटी. बट हियर इन डायमंड there is a lot of hidden. No, it is a hidden thing out of there. So you don't know actually what are you buying. Is it really worth you are paying or not? It's very difficult to understand this point. Okay, joining us now is Ashok Kumar from UP. Ashok, we welcome you to Market Mantra. Please ask your question. Hello. जी, सवाल पूछे अशोक जी. हाँ, मैं अशोक कुमार मोदीनगर से बोल रहा हूँ. सवाल बोले. सवाल ये है, दो सवाल है. पहला सवाल तो ये है, एक कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग को डिफॉल्ट हुए, सबको मालूम है, और एक साल से ज्यादा हो गया, नवंबर से दिसंबर आ गया, वो पैसा वापस ही नहीं कर रहे, अब हम क्या करें? और दूसरा सवाल ये है कि मार्केट इतना बढ़ चुका, क्या इन्वेस्टमेंट करना ठीक है, तो किन सेक्टर में करें? आई थिंक ये कार्वी का सवाल इनका हमेशा रहता है. तो कार्वी में तो आपको सेबी का रूट ही लेना पड़ेगा. उन्होंने आपको जो है ये बाकायदा उनका जो ऑनलाइन फाइल करने का एक तरीका है, उसमें जाकर के आप कंप्लेंट फाइल कीजिए. और बहुत कुछ सेटल भी हुआ है कार्वी का जो है, जो एनएससी के थ्रू करीब 2300 करोड़ का ये जो नवंबर में वो क्लेम कर रहे हैं कि सेटल हुआ है. सो यू हैव टू फाइंड आउट कि आपका जो प्रॉब्लम है वो कहाँ अटका है, क्योंकि काफी सारा पैसा वहां पर इन्वॉल्व था लोगों का. तो ये आपको स्पेसिफिकली अपने केस को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा. और वेरी इंटरेस्टिंग सेकंड क्वेश्चन जो अशोक ने पूछा हमसे वो था कि किस सेक्टर्स में इनको इन्वेस्ट करना चाहिए. और देखिए, एक तो 6 सप्ताह से मार्केट लगातार बढ़ रहा है, मतलब ये देखिए कि बहुत लंबा एक वो है ये पीरियड जिसमें कंटिन्यूअसली गेन है. इस हफ्ते भी निफ्टी मार्केट बंद हुआ है और ये भी इंडेक्स भी. तो अब एक तो ये आ रहा है कि यहाँ पे क्या रेसिस्टेंस आएगा क्या 13600 के आसपास या इसमें जो है, तो ये सारा देखना पड़ेगा. और कंसोलिडेशन का भी चांस है काफी हद तक. तो अब आपको जो इस तरीके का सेक्टर्स हैं जो कि ऑल वेदर टाइप है, आप फार्मा है या उस तरीके एफएमसीजी है, उनमें आप देख सकते हैं. बट यू हैव टू लुक स्टॉक स्पेसिफिक कि वो स्टॉक में कितना ग्रोथ आ गया और वाकई के आगे कोई ऐसा उसमें चांसेस है क्या. बिकॉज ये एक चीज है कि अभी जो इकोनॉमी है और जो कंपनीज की परफॉर्मेंस है और मार्केट का जो अभी जो लेवल है, उनके बीच कोई रिश्ता अभी नहीं है, ये भी आप मान के चलिए. सो इट विल डिपेंड, मार्केट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन जो एफआईआई का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, डॉलर इंडेक्स कैसे मूव कर रहा है, यूएस के पैकेज का क्या होगा, वो सब चीजें मार्केट को ज्यादा अपने तरीके से डायरेक्शन दे रही है, न कि हमारे जो कंपनीज और जो इकोनॉमी. और गाजियाबाद से हमारे श्रोता गौरव लाइन पे हैं. गौरव नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं. हरी जी, गुड इवनिंग, मार्केट मंत्र टीम को नमस्कार. मेरा सवाल ये फार्मिंग को लेकर, सेक्टर को लेकर है. क्या ये जो टकराव बना हुआ है किसानों का सरकार का, आपको लगता है जल्दी सॉल्व हो जाएगा? और क्या ये सरकार क्यों मिनिमम परचेज प्राइस, सपोर्ट प्राइस की जगह परचेज प्राइस डिक्लेयर करने में क्या दिक्कत है? क्या इन्फ्लेशन डरने की सर भाग जाएगा इसलिए सरकार डर रही है? लेकिन एक तरफ ये बात भी सही है कि 1947 में अगर किसान की आय जो थी उसकी कई गुना भी देखा जाए तो लोगों की आय तो बढ़ गई, किसी टीचरों की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, प्रधानमंत्री की, सबकी बढ़ी, लेकिन किसानों की तो नहीं बढ़ी ना उसकी तरह. तो क्या मिनिमम परचेज प्राइस देने में क्या सरकार को कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर? तो सरकार वैसी पेट्रोल डीजल पर दबा के कमा रही है, दे सकती है परचेज प्राइस कम से कम छोटे किसानों को जो 5 लाख तक कमा रहे हैं उनको तो दे सकती है? क्या ये इसमें कोई टकराव दूषण आएगा सर? देखिए, एक तो सभी को उम्मीद है कि जो टकराव है जितना जल्दी खत्म हो वो सबके लिए अच्छा है, देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा है, फार्मर्स के लिए अच्छा है, कॉमन मैन के लिए अच्छा है. तो ये दोनों पक्षों को सोच के कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए. सरकार ने कुछ अपनी तरफ से सजेशन दिए हैं और फार्मर्स को उस पर, हालांकि वो इसको स्टैंड ऑफ उनका है कि इनको रिपील करना चाहिए. वी हैव टू सी के आने वाले दिनों में क्या होता है. मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी एक तरीके का परचेज प्राइस ही है, अगर आप देखें कि वो जो कॉस्ट है वो कैलकुलेशन होती है उसमें, और उसके ऊपर जो ए टू प्लस एफ एल क्यू प्लस उसके ऊपर 50% गवर्नमेंट देती है. सो फार्मर्स का हालांकि सी टू प्लस 50% का भी है, बट वो काफी ज्यादा बनता है. लेकिन ये है कि अभी भी बहुत सारे 3-4 क्रॉप को छोड़ दें, ज्यादा पर प्रोक्योरमेंट नहीं होता.
अब ये तो बात सही है कि सरकार सारा कैसे खरीदेगी, ये एक बड़ा चैलेंज है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर या उस तरीके के रिसोर्सेज, और फिर उसको, क्योंकि जो फूड ग्रेन गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है वो तो पीडीएस में उसकी जरूरत पड़ती है, वहां पर उसका रिक्वायरमेंट है लोगों को जो सब्सिडाइज फूड अवेलेबल कराने में, लेकिन सारे प्रोड्यूस के साथ ये नहीं हो सकता। सो अब ये डिपेंड करेगा कि जैसे गवर्नमेंट एश्योर कर रही है कि एमएसपी जारी रहेगी और सरकार 23 फसलों का एमएसपी निर्धारित करती है, एक तरीके का ये बेंचमार्क प्राइस है। फार्मर्स को भी रहता है कि मेरा अगर इस दाम पे बिक जाए तो मैंने ठीक पैसा कमाया है, कई बार उससे ज्यादा भी मिलता है, लेकिन जो बड़े पैमाने पर ज्यादातर क्रॉप 4-5 क्रॉप को छोड़ दें तो ये उस तरीके से प्रैक्टिकली उस पर परचेजिंग होती नहीं है। तो सिर्फ प्राइस तय कर देना सब कुछ हो जाएगा तो उसको मतलब वाजिब नहीं ठहराया जा सकता, मेरा मानना है। इन्फ्लेशन वाला आपने सही कहा कि आरबीआई का गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट है कि इन्फ्लेशन को हमें 4% प्लस माइनस 2 रखना है, तो उसके लिए आरबीआई का लगातार सरकार से आग्रह रहता है कि आप एमएसपी में एक रीजनेबल इंक्रीज करें, बहुत ज्यादा ना करें, क्योंकि इससे इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आता है और फूड इन्फ्लेशन का शेयर काफी ज्यादा होता है इन्फ्लेशन में। तो ये एक गवर्नमेंट की पॉलिसी भी रहती है, तो ये इन टोटेलिटी सारा कुछ मिलाकर के इस तरीके से मूव किया जाता है। हरवी, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द ऑनगोइंग खरीफ मार्केटिंग सीजन विद एमएसपी वैल्यू ऑफ मोर देन 70,000 करोड़ रुपीज already being collected? Rajesh, this marketing season, kharif marketing season, will see the highest procurement. And as you already mentioned in the news item that Punjab already contributed 200 lakh ton, more than 50% of the total procurement till date. Yeah. So then procurement increasing in other states also, like UP is also increasing gradually, and Chhattisgarh, Telangana has increased in a big way. So, and you know, the rice is a big crop. It's not like wheat, which confined to certain few states. But rice grown basically almost in the major part of the country, entire south, eastern part of the country, and this even central Madhya Pradesh also grow rice, and then North Indian states also grow. So that's why this massive operation is going on, and government is very committed this time. So they are procuring, states are also increasing their effort for more and more this thing, paddy purchase. So I think this will be very big achievement this year, procurement level of particularly for paddy. और दिल्ली से हमारे श्रोता पंकज लाइन पे हैं। पंकज नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार जी, मार्केट मंत्रालय टीम, आपका बहुत थैंक यू फॉर गिविंग सच ए एक्सीलेंट प्रोग्राम फॉर अ स्मॉल इन्वेस्टर। माई पॉइंट इज दैट डीएचएफएल में कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट है, तो उसमें रिवाइवल का कुछ मतलब उसमें कुछ कुछ डीएचएफएल चल रहा है, तो उनका उनको क्या उम्मीद है कि कुछ वहां से मिले, हमें कुछ करना है या वेट ही करना है। एंड सेकेंड क्वेश्चन है कि जो फिजिकल शेयर है उसमें काफी इश्यूज हैं उसको ट्रांसमिशन कराने में, तो उसमें थोड़ा सा आप लोग एड्रेस कीजिए कि उसको थोड़ा लिबरलाइज करें, जो फैमिली रिलेशन में ब्लड में है तो उसमें बहुत दिक्कत हो रहा है। और थर्ड क्या है, ये जो मार्केट इतना ऊपर गया तो क्या सेल कर देना चाहिए, लिक्विडेट कर देना चाहिए, और डिफेंसिव सेक्टर में वापस आ जाए। थैंक यू। डीएचएफएल इशू तो देखिए, उसमें इशू तो है लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है उसको पेमेंट का, बट ये तो अभी एनसीएलटी की तरफ है, लेट अस सी कि क्या निकल के आता है, उसमें जो है आपको वेट ही करना पड़ेगा उसका। और इसके अलावा जो आपने मार्केट का कहा कि ये आप अपने स्टॉक्स पे देखिए कि आपने किस लेवल पे एंट्री की थी, और क्योंकि मार्केट काफी ऊपर चला गया है तो डेफिनेटली ये एक तरीके से प्रॉफिट बुकिंग करने का वक्त तो है अगर आपने लो लेवल पे एंट्री की है। और एक क्वेश्चन आपका जो शेयर ट्रांसफर, फिजिकल शेयर ट्रांसफर, डेफिनेटली रेगुलेटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि जो जिनके लिए वो रेगुलेट करते हैं, वो इन्वेस्टर हो या कंपनीज हो और मार्केट्स हो, ये उनके लिए आप ईज करें, न कि उसको मुश्किल करें। और ये काफी लोगों पे इशू रहता है कि जो फिजिकल शेयर है वो कैसे ट्रांसफर होंगे, क्योंकि पहले तो कुछ साल पहले तक तो डिमेट था नहीं, तो और कई लोग थोड़ा सा उसमें एक तरीके से उसको कोजी भी लेते हैं कि थोड़ा आराम से करा लेंगे, या कई बार टिपिकल होता है आप कहाँ डॉक्यूमेंट्स रखें, कैसे मैनेज करना है।
सो डेफिनेटली एक विंडो इनको ओपन करना चाहिए इस तरह के ग्रीवांस को एड्रेस करने के लिए, और उसका रेस्पॉन्स भी क्विक होना चाहिए। और चलते हैं आज की अगली खबर की ओर। घरेलू शेयर बाजारों में कल समाप्त हुए सप्ताह में लगभग 2% की बढ़त दर्ज की गई। मुंबई शेयर बाजार और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों ने ही सप्ताह के दौरान सर्वोच्च ऊंचाई को छुआ। सेंसेक्स 40,000 के आंकड़े को पार कर गया, जबकि निफ्टी 13,500 के स्तर के ऊपर चला गया। दुनिया के बाजारों के मिले जुले रुख और देश में कोरोना वायरस मामलों में गिरावट के बीच सेंसेक्स 1019 अंक यानी 2.26% की तेजी के साथ 40,099 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी 255 अंक यानी 1.93% की बढ़त के साथ 13,514 अंकों पर बंद हुआ। बम्बई शेयर बाजार के व्यापक बाजार में भी तेजी दिखाई दी। मिड कैप सूचकांक 0.76% बढ़ा, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 1.36% की बढ़त दर्ज की गई। And the three major US equity indices traded in a narrow range yesterday as uncertainty over fresh economic stimulus dented investor confidence. However, strong gains from Walt Disney helped Dow Industrials to close with marginal gains. The US Senate, facing a midnight deadline yesterday, unanimously approved a one-week extension of federal funding to avoid a government shutdown and to provide more time for separate negotiations on COVID-19 relief and an overreaching spending bill. The Dow Jones Industrial Average added 0.2%, while the S&P 500 slipped 0.1% and the Nasdaq Composite Index fell 0.2%. और नोएडा से हमारे श्रोता SPS जैन जी काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि अपना सवाल पूछे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। अभी जैसे सभी चर्चा है कि पिछले 15-20 दिनों से मार्केट बराबर बढ़ रहा है, और हरवीर सिंह जी ने एक्सप्लेन किया कि ज्यादातर ये मार्केट एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से है, उसमें इंटरनल इकोनॉमी इतना ज्यादा जिम्मेवार नहीं है, तो क्या उम्मीद की जाए कि ये कभी भी बस्ट करेगी, और ऐसे मौके पर क्या कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए जिससे कभी मार्केट अगर क्रैश करे तो उस समय खरीदने के लिए पैसा जेब में हो। देखिए, करेक्शन की बात कर सकते हैं, बस्ट तो नहीं करेगा, ऐसा तो कोई परिस्थिति नहीं बन रही है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म भी है और हमारे जो DII है उनका भी इन्वेस्टमेंट है, इंडिविजुअल्स ने भी काफी इन्वेस्टमेंट किया है, और क्योंकि अभी मार्केट ही सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है इन्वेस्टर्स के लिए, बाकी जो एसेट्स होते हैं उनको उनकी अगर छोड़ दें तो ये तो नहीं लगता है अभी नियर फ्यूचर में कोई ऐसी परिस्थिति पैदा होगी। ये बात सही है कि एनी इन्वेस्टर हु एंटर्स द मार्केट वो प्रॉफिट के लिए ही एंटर करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका स्टॉक जो जिस लेवल पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है और अब आगे उसमें जो अपवर्ड ट्रेंड है वो इंक्रीमेंटल होगा और उसमें कोई बहुत उस तरीके से नहीं होगा बड़ा गेन, तो यू कैन एग्जिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टॉक। Okay, Harveer, the U.S. Senate is facing a midnight deadline and there is an uncertainty over fresh economic stimulus. So what do you think are going to be the repercussions of that and how will it affect India? Right, so U.S. is the biggest economy of the world. And whatever happens to that any development, because now we are also globalized country and linked directly to this kind of economy. A lot of investment comes there from there. We have markets there. Our companies earns money from U.S. market, like our IT companies has huge exposure there, makes a lot of money from there, and other exports also. We are with, सेकेंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर देयर, सो दैट्स व्हाई हरवीर जी अब हमें कार्यक्रम समाप्त करना होगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज द स्पीड ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी इज इनकरेजिंग डिस्पाइट द अप्स एंड डाउन ड्यू टू द COVID-19 पैंडेमिक। Government says more than 40,50,000 paddy farmers got benefit of MSP during the ongoing Kharif marketing season, and benchmark domestic stocks logged gain for around 2% during the business week ended yesterday. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.